नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरबाज खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं चेतना मंच। जवान और पठान के बाद बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाले शाहरुख खान एक बार फिर बड़े धमाके के लिए तैयार हैं। 2023 की आने वाली फिल्म डंकी का ट्रेलर आखिरकार सामने आ गया है। फिल्म में शाहरुख खान का स्वैग और विकी कौशल की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने फैंस की सीटियाँ बजाने पर मजबूर कर दिया है। मेकर्स ने पहले भी डंकी का एक प्रोमो शेयर किया था जिसमें सारे एक्टर्स नजर आ रहे थे, लेकिन अब ट्रेलर में डंकी की कहानी थोड़ी और ज़्यादा नज़र आ रही है। फिल्म की कहानी माने एक टाइम लीप है और ये 25 साल पहले शुरू होकर आज के दौर में पहुंचेगी। ट्रेलर में डंकी की कहानी 1995 से शुरू हो रही है और शाहरुख समेत बाकी सब एक्टर्स यंग किरदारों में नज़र आ रहे हैं। ये कहानी मज़ेदार अंदाज से शुरू होती है और धीरे धीरे एक सीरियस टॉपिक में बदल जाती है और उसके बाद मॉडर्न दौर में पहुँचती है, जहाँ शाहरुख खान उम्रदराज नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में दिखाया गया कि पंजाब के रहने वाले 5 नौजवान लंदन जाने के क्रेज में इंग्लिश क्लास लेते हैं। राजकुमार हिरानी की फिल्मों में हमेशा नजर आने वाले बोमन हिरानी इस बार इंग्लिश टीचर के रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन इन 5 लोगों का इंग्लिश में बहुत हाथ तंग रहता है। ट्रेलर में दिखाया गया कि इन 5ों को अंग्रेजी सीखना बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से उन्हें वीजा मिलने में दिक्कत आती है और लंदन जाने का सपना आधे में लटक जाता है। लेकिन आखिरकार शाहरुख एक ऐसा जरिया खोज निकालते हैं जिससे बिना अंग्रेजी के लंदन जाया जा सकता है। ये लंदन जाने का अवैध तरीका होता है, जिसे डंकी कहते हैं। डंकी का ट्रेलर दिलचस्प है और कहानी जानने का इंटरेस्ट बनाए रखता है। 3 इडियट, PK और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्में बना चुके राजकुमार हिरानी नई फिल्म में कॉमेडी के साथ सोशल मैसेज का सॉलिड डोज देते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर तो खूब पसंद आ रहा है, अब देखते हैं कि मूवी लोगों को कितना पसंद आएगी। क्या आपने अब तक ट्रेलर देखा या नहीं देखा? नहीं देखा तो जाकर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। जब तक के लिए देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।